हाँ फ्रेंड्स, सब काटने का काम हो गया। सब्जी ये जो पांच लैब्रा वांटो बोले थे ना, उसका ये सब्जी है। ये पांच सब्जी, आलू, कुमड़ा, बैंगन, मूली, बरबटी, ये सब हमने इसमें डाला। और ये पालक का साग अलग से धोया, क्योंकि इस समय पालक में थोड़ा सा वो रहता है ना, तो इसलिए साफ़ करके मिट्टी का काफ़ी काफ़ी धोना पड़ता है। जब तक क्लीन एकदम वाइट वाटर ना आ जाए तब तक धोना पड़ता है। और ये फाइव फ्राई जो बोला था ना, पांच भाजा, ये भी काट के धो के और इसमें नमक हल्दी मिला के रखे हैं। ये कुमड़ा, गोभी, आलू, बरबटी, ये बैंगन, ये हो गया पांच पांच भाजा। इसमें इसको पहले ये फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ जो अभी हमारा ये तेल गरम हो गया है, इसमें अभी पहले हम चटनी जो मीठी बनती है ना, बनने थे ना, ये टमाटर कटा हुआ रखा है और ये खजूर और गुड़, ये तो इसके लिए मैं पांच फोरन घर में ही बनाती हूँ। सब मसाला अलग से आज निकालना, डेली वाला मसाला दानी से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। टच वच हो जाता है ना प्याज लहसुन का, इसलिए ऐसे ही करते हैं। तो इसमें मैं पांच फोरन घर में ही बनाती हूँ। ये जो है ये सरसों रखा है, ये सरसों, ये कलौंजी, सौंफ, जीरा और मेथी। तो मैं इसको फ़ोरन दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा ये पांच फोरन, मेरे ये मेथी दे दिया, ये जीरा दे दिया और ये कलौंजी, कलौंजी दे दिया आराम से, और यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ, ये सरसों डाला। आज मैं पांच फोरन डाल के बना रहा, वैसे तो मैं खाली सरसों चौक से बनाती, आज मैं पांच फोरन से बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा एक हरा मिर्चा काट के मैंने डाल दिया है। इसमें भी उस उडन वाला यूज़ करेंगे ना, ये नॉन स्टिक का है पैन प्रिकॉशन के लिए। दूसरी तरफ भी तेल गरम हो रहा है, पहले भाजा फ्राई करेंगे और उसके बाद सब्जी का स्टार्ट होगा। तो मेरा ये हो गया, अब इसमें डालूँगी टमाटर, ज़्यादा नहीं बनाएंगे और ये थोड़ा बचा के रख देंगे सब्जी में डालने के लिए। डालते हैं हमें सब्जी में, थोड़ा टेस्ट ऐड हो जाता है। तो इसमें हल्का सा इसमें जो नमक हल्का डालना, क्योंकि मीठी चटनी है ना, थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए मैं चम्मच जो है ये थोड़ा सा हम इसमें ये हल्दी थोड़ा सा डाल दें और कुछ नहीं करना है, इसको होने देना है ये जब तक थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी देर बाद गुड़ और ये सब इधर रखा है ना, इसको इसको डाल देंगे, खजूर और गुड़ डाल दिए। और इसको थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर इसको सेव में करेंगे। तब तक इसमें तेल मेरा गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है। अब इसमें पहले भाजा डाल देते हैं, तो दोनों साइड में होने से हो भी जाएगा जल्दी। कोशिश का साथ ले दें, पूर्णिमा का चांद निकल जाएगा तो पूजा बैठ जाएगा। हमें सब लोग ने पंडित जी, कई लोग बुलाते हैं बट हमने कभी माँ को नहीं देखा पंडित से लक्ष्मी पूजा कराने। माँ ही करती थी, हम लोग का इसको पाचाली बोलते ना, कथा पाठ वो लेडीज कर देती हैं। तो इसको होने देते हैं। फिर बाकी ये भी हमने यहाँ पे आलू और गोभी को धो के थोड़ा सा हल्दी नमक लगा के रख दिया है। अच्छा, चटनी में जो है ना, ये जो हमने ये अदरक पीस के रखा, ये भी थोड़ा पड़ेगा। अच्छा, इसमें फ्लेवर आता है। अच्छा, तो चलिए तब तक और सब तैयारी कर लेते हैं।